आदर्श अकेडमी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और जीके और करंट अफेयर इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श अकेडमी, माई सेल्फ अल्पना। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में आज जो थर्ड शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ है रेलवे का, उससे संबंधित जो आपके मैथ से, करंट अफेयर से, साइंस से या रीजनिंग, जितने भी सेक्टर से क्वेश्चंस एराइज किए गए हैं, तो किस सेक्टर से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैथ से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं, रीजनिंग और जनरल साइंस से और करंट अफेयर से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, सभी चीज़ों को हम देखेंगे। ये हमारा वीडियो आपका होगा ऑडियो फॉर्म में होगा, लेकिन आप अच्छे से केयरफुली सारे क्वेश्चंस को सुनिएगा। और जो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं, कल का एग्जाम देने वाले हैं या फिर आप 17 तारीख का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही हमारा ये वीडियो ऑडियो क्लिप बहुत ही यूजफुल होगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस रेड कलर का बटन आप पे दिख रहा होगा, आप इसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो सॉरी जब आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये घंटी का निशान आएगा, आप इसे भी प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मैथ से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है, पहला है पाइप एंड सिस्टर्न, जिससे 2 क्वेश्चन एराइज किए गए हैं। दूसरा टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन एराइज किए गए हैं। ट्रेन से संबंधित भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेशियो से 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, मेंसुरेशन से, देखिए आप सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको आपको मतलब कि एक एक को समझा के पढ़ाना ये थोड़ा मुश्किल है। ये आपको अपने बेसिक बुक से, अपने अपने जहाँ से पढ़ा है मैथ्स, वहाँ पे आपको क्लियर करना है। लेकिन जो जो चैप्टर से पूछे जा रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, वो आपको और भी अच्छे से करना है ताकि जो नेक्स्ट एग्जाम, जो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं वो अच्छा कर पाए, ठीक है। तो और LCM SCF से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। एज बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं। स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है। नॉन परफेक्ट और परफेक्ट दोनों फॉर्म में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। नॉन परफेक्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ परसेंटेज के कुछ मामले से सवाल, बहुत बेसिक से सवाल आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से भी सवाल बन रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एवरेज से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो एवरेज से इस प्रकार है कि 10 बॉय का एवरेज है 15 दे रखा है, टोटल स्टूडेंट 25 है जिसका एवरेज जो है वो 41 है, तो गर्ल्स का एवरेज बताना है कितना होगा, है ना। तो इस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जो इसका आंसर होना चाहिए वो है 58.33, ठीक है। तो स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है नॉन परफेक्ट, जैसे 4560, 4560 इसका स्क्वायर, मतलब इस टाइप से दिया हुआ है एग्जाम में कि इसका स्क्वायर रूट बताइए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो है 67, ठीक है। तो मतलब मैथ से इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आपका सेक थीटा, टेन थीटा, इससे भी प्रश्न बनते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे करंट अफेयर से। करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा प्राइस से पूछा जा रहा है, बुक्स एंड उसके राइटर से पूछा जा रहा है। आपका ये राज्य राजधानी और उसके मुख्यमंत्री, वहाँ के गवर्नर कौन है, इससे तो प्रश्न बन ही रहे हैं, हर शिफ्ट में एक प्रश्न तो आ ही रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको राज्य के मुख्यमंत्री को अच्छे से कवर किया गया है, आप सभी को देख लीजिए और साथ ही साथ गवर्नर को भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, जैसे इस एग्जाम में पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में, असम के गवर्नर कौन है, तो इसका जो आंसर होता फ्रेंड्स वो है जंदीश मुक्ति, ओके। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है राइज ऑफ शिव गाने किताब किनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। देखिए राइटर का नाम पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है आनंद नेडा कांटेन, ओके। नेक्स्ट जो पूछा गया है कि किस देश के पीएम जो है वो इंडियन मूल के हैं, मतलब इंडियन थे वे, लेकिन वो पीएम किसी और जगह के बने, तो देखिए इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो नहीं मिल पाया है, लेकिन आई थिंक इसका आंसर होता, मतलब अगर ऑप्शन में ये दे रखा है तो उसका आंसर मॉरिशस होता, जिसका जो पीएम है वो वहाँ के है प्रवीण जुगनाथ, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हिस्ट्री से संबंधित पूछा गया था, बाबरनामा कौन से भाषा में लिखी गई है, ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो करेक्ट आंसर होता वो है तुर्की भाषा में, ओके। तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था करंट में वो है बीमा योजना के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है, तो फ्रेंड्स इसका होगा एन सिडकी, ओके। नवाजुद्दीन सिडकी को बीमा योजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो पुरस्कार, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पुरस्कार से पूछा गया है फ्रेंड्स, पुरस्कार से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, हर शिफ्ट में एक प्रश्न बन ही रहे हैं। तो इसमें पूछा गया प्लेजर पुरस्कार 2017 किन्हें दिया गया है,
तो इसका जो ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया है कि क्या है, क्योंकि ये बहुत कोई को दिया गया था फ्रेंड, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, जर्नलिज्म को ये दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन हम करेक्ट नहीं मिल पाया है, तो इसलिए हम इसका आंसर आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है CFO ऑफ RBI कौन है, पहली बार RBI के CFO का चयन किया गया है, तो वो कौन है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होना चाहिए सुधा बाला कृष्णन, ओके, जिन्होंने ये आंसर करेक्ट किया है, इस आंसर को आपने टिक मार्क किया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है एनालॉजी से, जैसे कि रीजनिंग से संबंधित है फ्रेंड्स, जैसे बर्ड पंख से संबंधित है, तो पंखा किस चीज़ से संबंधित होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है पंखुड़िया, ओके। देखिए आपके रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस मिरर इमेजेस पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस कैलेंडर से भी पूछे गए हैं, ओके। अब हम बात कर रहे हैं रीजनिंग के, ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चंस कैलेंडर से पूछा गया था, 21 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो 21 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो रीजनिंग में पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है डॉग का कूट संख्या दे रखा है कि 14157 डॉग का कूट संख्या है, तो मैट का कूट संख्या क्या होगा, तो जो इसका करेक्ट आंसर होता फ्रेंड्स वो है 13120, ठीक है। नेक्स्ट वन जो पूछा गया वो डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, शैडो बेस्ड क्वेश्चंस है, एम्बेडेड फिगर से दो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका साइंस रिलेटेड है फ्रेंड्स, ये वो ये है कि अगर आदमी पृथ्वी की सतह से वो 9 मीटर उछल सकता है, अगर वही इंसान अगर मून की सतह से वो कितना ऊपर उछल सकता है, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे लास्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति अगर वो पृथ्वी में है और फिर वो चंद्रमा में जाता है, तो उसका मास और वेट में क्या फर्क होगा, ठीक है, तो वेट 1/6 हो जाता है फ्रेंड्स, वेट पूछा गया था, तो वेट 1/6 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था वो है ह्यूमन ईयर एक ध्वनि को सुनने के बाद दूसरे साउंड को कितने देर में सुन सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0.4 माइक्रो सेकेंड। एक मिनट में जो ह्यूमन है फ्रेंड्स, आदमी है जो है वो 14 से 15 तरह का आवाज़ सुन सकता है, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल नॉलेज था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर था वो है 0.4, ओके, 0.4 माइक्रो सेकेंड, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है कान की सबसे छोटी हड्डी को हम क्या कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है स्टेपेज, ओके। और दूसरा देखिए बायोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स का कम है, लेकिन बायोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर पूछा गया था माल्टोस किस चीज़ का बना होता है, तो फ्रेंड्स इसका जो होता है दो ग्लूकोज के कंपाउंड के मिलने से माल्टोस बनता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रोटीन किसका यौगिक होता है, तो फ्रेंड्स बहुत सारे एमिनो अम्ल के एमिनो एसिड के मिलने से, ठीक है, आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए एमिनो एसिड के कंपाउंड से प्रोटीन का निर्माण होता है, तो आपका ये बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और फ्रेंड्स और जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था मंद बुद्धि किस विटामिन की कमी से होता है, जब इंसान की बुद्धि मतलब वो अपने सोचने समझने की क्षमता को जब वो खोते जाता है, तो वो किस विटामिन की कमी से होता है फ्रेंड, तो ये होगा विटामिन डी, ओके, विटामिन डी की कमी के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी से सिर्फ पूछे जा रहे हैं, तो आप बायोलॉजी सेक्टर को प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सेरिब्रम किस भाग से संबंधित है, जैसे आपका होता है ना फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, आपके माथे में होता है ये, ठीक है, तो आपका ये इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो है फोर ब्रेन, ओके, सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है। कैपेसिटी ऑफ वर्क इज बेस्ड ऑन, आपने डिफिनेशन पढ़ा होगा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ओके, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, एनर्जी, एनर्जी होगा तभी हम कोई काम कर सकते हैं ना, तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, इसका आंसर होता माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, बहुत मतलब कि हर शिफ्ट में पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन किस, कभी हाइड्रोजन का पूछ रहा है, कभी नाइट्रोजन का पूछ रहा है, कभी मरकरी का पूछ रहा है, तो इस शिफ्ट में नाइट्रोजन और मरकरी का एटॉमिक नंबर पूछा गया है, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने क्या टिक लगाया था, नाइट्रोजन और मरकरी का एटॉमिक नंबर क्या आपने लगाया है, ठीक है, और करेक्ट क्या होगा।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो है कि जो फीमेल फ्लावर होता है, ठीक है, कौन से पार्ट को हम फीमेल फ्लावर कहते हैं, ठीक है, फीमेल के जो फ्लावर है उसके कौन से पार्ट को हम कहते हैं, उसका जो सही उत्तर होगा वो पिस्टल स्टेमन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका पूछा गया 1 किलो वाट में, ठीक है, उसमें कितना जूल होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन का एलोट्रॉप क्या होता है, उसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन B12 की कमी से कौन सा डिजीज हमें होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये कुछ सेक्टर है, जैसे आपका फिजिक्स से, ठीक है, आपका बायोलॉजी से, आपने हम आपको बता चुके हैं कि मैथ से किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर करेंट से, पुरस्कार से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जो हम लेकर आएंगे उस पर हम कुल मतलब जितने भी शिफ्ट आज 3 शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुए सबका एनालिसिस हम देखेंगे, सब सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, साइंस को अलग देखेंगे, रीजनिंग अलग देखेंगे, ठीक है, करंट के पोर्शन को हम अलग से देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें एनकरेज करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम।